मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से सलाम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं हूँ दीनत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ और ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगी। आज मैं लेकर आई थी, आज तो नहीं लेकिन ये कि मैं 2-3 दिन पहले मैं लेकर आई हूँ, ये बॉल लेकर आई थी। इसको क्या, हाँ ये बॉल ही कहते हैं ना इसको, ये डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, ये आपको टेबल के ऊपर रखने के लिए, तो हाँ ये बॉल है। तो ये इसके लिए मैं लेकर आई थी। तो मेरे पास अभी डाइनिंग टेबल तो नहीं है क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो स्टूडियो फ्लैट है और जगह हमारी थोड़ी कम है। तो ये कि मैं इसको दूसरी चीज़ों में इसको मैं इस्तेमाल में लेकर आऊँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं लेकर आई थी कैटसोर से और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। अब मैं बना रही हूँ आज मटन पुलाव, तो आज मैं आपको मटन पुलाव की रेसिपी भी दूँगी। तो आप लोग मेरे मुझे देखिएगा, मुझे पूरा वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और मेरे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जो भी नए देखने वाले हैं वो मेरे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ, अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह के। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैं गई थी कैसोर कुछ और लेने, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे तो ये फिर मैं लेकर ही आई। फिर एक नहीं, फिर मैं दो, यानी कि फिर पेयर हो ना, फिर जोड़ी हो ना, तो इसलिए मैं ये दो लेकर आई थी। लेकिन ये कि दो लाए ज़रूर हूँ, लेकिन ये कि जो डिज़ाइनिंग है वो अलग अलग है, सही है ना। कलर तो एक ही है, ट्रांसपेरेंट वही कांच के हैं बॉल, लेकिन ये है कि इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा दो डिफरेंट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मेरे तमाम फ्रेंड, ये देखिए मैंने दोनों जो ये बॉक्स है ये मैंने ओपन कर दिए हैं। और इसका है जो ये जो वर्क हुआ हुआ यहाँ पे काम हुआ हुआ है, ये कट वर्क में, सही है ना, ये इसका कट वर्क है ये, यानी कि आप देख सकते हैं ज़्यादा है। और ये बड़े बड़े बॉल हैं, आपको शायद इस तरह से मैं दिखाती हूँ, ये बड़े बड़े बॉल हैं और ये इस तरह के हैं। एक निकालती हूँ मैं, दोनों नहीं निकालूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ये इस तरह के हैं। सही है ना, चले मैं दूसरा भी निकाल देती फिर मैं रख दूँगी। कहीं लगे तो बहुत ही भारी है, निकल भी नहीं रहा मेरे को। बिस्मिल्लाह, उश 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 उश, ये बहुत भारी है, निकल भी नहीं रहा। तो एक ये है, इसको मैं जब मेरी अपनी डाइनिंग टेबल होगी ना तो मैं इसको उस पर रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं अभी यूज़ करूँगी। और एक ये है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, यानी कि निकाल के, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिए इसका जो कटवर्क है वो ज़्यादा है, ये भी प्यारा लग रहा है, ये अपनी जगह बहुत प्यारा लग रहा है इसका। ये इसमें भी कटवर्क काम हुआ भाई, लेकिन ये कम है। तो लेकिन ये माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, जब मैं ये इसको रखूँगी डाइनिंग टेबल पर तो क्या ही मज़ा आएगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये बॉल कैसे लगे। मैं तो एक जैसे ले रही थी लेकिन वहाँ पे थे नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था, तो ये कि फिर मैंने अलग अलग ले लिए थे। और इसमें की जो है, उसमें की जो प्यालियाँ भी मिल रही थी, बॉल भी मिल रहे थे छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब ये कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, फिर मैं लेकर आऊँगी। ये आप लोग देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। चले मैं इसको रखती हूँ दोबारा, इसको मैंने रख दिए हैं दोबारा से अपने अपने बॉक्स में चले गए हैं। अब इसको मैं पैक करके रख दूँगी, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम इसकी जो प्यालियाँ थी वो मैं लेकर आऊँगी। यानी कि मैं जब जाती हूँ ना तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सामान, तो ये कि फिर मैं लेकर आऊँगी। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं कि मैं किस तरह से बनाऊँगी मटन पुलाव। और यानी कि उफ़ अल्लाह, तो आपने देखा कैसे लगे मेरे बोल।
तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो मैं आपको वही किचन का बता रही थी कि मैं किचन में चलती हूँ, फिर मैं अपना पुलाव बनाऊँगी। पुलाव तो मैं देर से बनाऊँगी, लेकिन ये कि मैंने यखनी चढ़ा दी थी, और यखनी में तो आपको पता है कि कैसे क्या क्या डलता है। मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मैं चली गई थी अपना फ्रेश होने, तो घर की सफाई वफाई भी की, वैक्यूम वगैरह लगाया है, तो उसमें तो मैं चढ़ा के चली गई थी जखनी। उसके बाद का जो प्रोसीजर है फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखते रहिएगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। लेकिन ये कि पुलाव तो खैर कई तरीक़ों के बनते हैं, कोई एक तरीका तो उसका है नहीं, हर तरीके से बनता है और अच्छा ही बनता है। तो मुझे बिरयानी और पुलाव तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलते हैं अभी किचन की तरफ, मेरे साथ साथ रहिएगा। चलिए, तो हेलो फ्रेंड, हम लोग किचन में आ चुके हैं। मैंने जो अपनी पैन है वो मैंने रख दिया है चूल्हे पे, चूल्हा मेरा ऑन है, और मैं अब डालूंगी इसके अंदर प्याज, प्याज और कड़ी पत्ता मैं डाल दूंगी इसके अंदर। हरी मिर्च मैं बाद में डालूंगी, अभी प्याज को हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, एकदम हमें काला नहीं कर देना। चूल्हा मैं थोड़ा सा तेज करती हूँ, बिल्कुल हल्का है चूल्हा। और हम इसकी यखनी बना दी थी, यखनी में मैंने क्या क्या डाला था, मैंने लिया था आधा किलो मटन, और मटन को अच्छे से धो के मैंने अपने देगचे में डाला, और फिर उसके अंदर मैंने मेरे पास है चावल है, कम से कम 3 पाव के करीब चावल है, और आधा किलो मेरे पास मटन था, और मैंने उसमें पानी डाला और उसमें लहसुन अदरक डाला, एक प्याज काट के डाली, पूरा मैंने जो साबुत गरम मसाला होता है मैंने वो डाला, धनिया साबुत धनिया और सौंफ डाली, और जायफल जो थी जो ऑरेंज कलर में जो होती है कि उससे क्या कहते हैं, जावत्री कहते हैं, जायफल कहते हैं, एक वो डाली, कुछ मैंने फुलबादियाँ डाले थे, और मिर्चोले होते हैं लाल मिर्च मिर्चोले, वो डाल के मैंने चढ़ा दिए थे, यखनी चढ़ा दी थी, और नमक डाला था, नमक डाल के मैंने अपने यखनी चढ़ा दी थी। जब यखनी हो गई तो मैंने जो गोश्त था वो मैंने सेपरेट कर लिया, और यखनी थी वो मैंने छान ली, उसको भी मैंने सेपरेट कर दी। अब मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद जो है वो आप देखते जाएं मैं किस तरह बना रही हूँ। मैंने ये प्याज डाल दी है इसके अंदर ये ब्राउन होने के लिए, तो जब तक मैं अपना दूसरा काम करती हूँ फिर मैं आती हूँ। मेरी जो प्याज है ये लाइट ब्राउन होने पर आ चुकी है, और इसमें मैं डाल दूंगी ये मैंने हरी मिर्चों का, ये मैंने पेस्ट बनाया था हरी मिर्चों का, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने यखनी में भी डाला था लहसुन अदरक, और अभी भी डालूंगी मसाला भूनते वक्त। और इसमें डालूंगी मैं शाहजीरा, मैंने यखनी में भी जीरा डाला था लेकिन वो मैंने सफेद जीरा डाला था, और अब भुनाई के वक्त मैं डालूंगी शाहजीरा, और इसमें जाएंगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, और अब मैं डाल दूंगी ये इसके अंदर मटन, और हरी मिर्च भी डाल देती हूँ मैं इसके साथ ही। और इसके अंदर जाएगी दही, दही के बगैर तो यानी कि पुलाव बिल्कुल अनकम्प्लीट है, तो दही तक में जाएगी। मैंने टमाटर जो था, या तो आप टमाटर इसमें डाल सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं, लेकिन दही तो इसमें ज़रूर ही जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने एक दो टमाटर मैंने यखनी के अंदर डाल दिए थे ग्राइंड करके, और
और यखनी के अंदर मैंने जो ऐड किया था, यखनी के अंदर मैंने एक चिकन मैंने क्यूब भी डाल दी थी और नमक भी डाला था। तो नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, जब मैं यखनी वगैरह सब डाल दूंगी, चावल वगैरह, उसके बाद फिर मैं टेस्ट करूंगी। अगर कमी बेशी हुई तो फिर मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। ये अभी पकेगा। तो हलक में इसके अंदर मैंने हरा धनिया काट के डाला है थोड़ा सा खुशबू के लिए। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा ये पक जाए तो फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़े से आलू भी ऐड करूंगी। तो हेलो फ्रेंड, जो मेरी अपनी ये जो मैंने डाला था, यानी कि लहसुन अदरक सारा ये दही वही दही का अपना पानी खुशक होने पे आ गया है। तो अभी ये मैं आलू डालती हूँ इसके अंदर, थोड़े ही डालूंगी, मैंने अपने लिए डाले। बस और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा केवड़ा वाटर। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर करूंगी यखनी ऐड। यखनी डालने के बाद इसके अंदर फिर मैं नमक चेक करती हूँ। तो इसमें हेलो फ्रेंड इसके अंदर नमक जाएगा, नमक थोड़ा कम है। इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी चावल। ये हमारा व्हाइट व्हाइट खिला खिला था ये पुलाव बनेगा। तो हेलो फ्रेंड, हमारे जो यखनी है, यखनी में उबाल आ चुका है। अब मैं डालती हूँ इसमें चावल। चावल मैंने धो के अच्छे से मैंने इसको पानी में भिगो दिए थे। अब इसका मैं पानी ये करती हटाती हूँ ढकना, और इसका मैं पानी फेंकती हूँ चावलों का। मेरे पास ये बासमती राइस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा राइस है यहाँ का, दुबई का है, ये है तो इंडिया का, लेकिन बहुत अच्छा राइस है। बनने के बाद इसमें खुशबू भी बहुत आती है और माशाल्लाह अच्छा भी बनता है।
उसके अंदर मैं यखनी थोड़ी सी और डालूंगी। बस ये यखनी बच गई है, तो ये यखनी मैं उठा के रख दूंगी, ये मेरे किसी बार में जब बनाऊंगी चावल वगैरह तो उसमें मेरे काम आ जाएगी। अगर यखनी बच जाए तो आप लोग फेंकिए मत, उठा के रखने का काम आ जाती है। हम आलू गोश्त का सालन बनाते हैं उसमें डालने के काम आ जाती है, हम तहरी बनाते हैं उसमें डाल दें आप लोग, आलू मटर के चावल बनते हैं उसमें डाल दें आप लोग। पूरा खोलती है फूल, ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा चावल चावलों को, और चावल हमेशा आप जो बासमती राइस होता है वो आप कम से कम 10 से 15 मिनट भिगोएं, ज़्यादा नहीं। और सेला जो चावल होता है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लेता है भीगने में, तो वो हमें ज़्यादा टाइम भिगोना पड़ता है। तो मैंने चावल अपने अंदाजे से भिगो दिए थे, तो जब तक मैं दूसरा काम निपटाती हूँ, जब तक मेरे यहाँ चावल हो रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो यखनी है वो मैंने बच गई थी, ये मैंने उठा के रख दूंगी, इसको मैं डीप फ्रीजर कर दूंगी, फिर मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं इसमें ऐड करूंगी। इस बात को आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप यखनी बनाते हैं अगर आपकी यखनी चावलों में कम पड़ जाए, चावल उस लिहाज से ज़्यादा हो, यखनी कम पड़ गई, तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और यखनी ज़्यादा है सही ना, चावलों में डालने के बाद भी अगर आपके पास बच गई है, तो अब ये मत सोचिएगा कि हम ये यखनी डाल ही दें, उठा के नहीं रखें, तो फिर आपका चावल जो है वो पिच पिच हो जाएगा, वो खिला खिला नहीं बनेगा। तो उतने ही डालें जितनी हमारे चावलों को यानी कि ज़रूरत है यखनी की। तो मेरे पास बच गई थी तो मैंने उठा के रख दी है, ठीक है ना, ये मेरे बाद में काम आ जाएगी। अगर मैं भी यही सोचती कि मैं यखनी इसमें डाल दूँ, क्यों बचाइए, तो वह मेरे चावल हप्पा हो जाते, तो मुझे ऐसा नहीं करना था। तो अभी ये थोड़ा पकने में थोड़ा टाइम लेंगे, बस हमारे जो चावलों का पानी है वो खुशक होने वाला है। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी बिरयानी का एसेंस, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, केवड़ा डालने, मैंने केवड़ा डाला था, थोड़ा सा मैं बस डालूंगी, ये 1-2 बूंद के करीब, ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो इसको वाइट ही रखें, अगर आप चाहें तो दम लगाते वक्त हल्का सा आप दर्दे का कलर भी डाल सकते हैं इसमें, तो ये एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। रेड और वाइट अच्छा सा कलर आ जाएगा आपके पुलाव का। तो अभी ये थोड़ा पानी खुशक हो जाए तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं दर्दे का कलर भी ऐड कर दूंगी। ये ना मेरा जो मोबाइल है, कैमरा है, सही है, थोड़ा होता नहीं है, तो सॉरी। ये देखें आप, पानी जो खुश्क हो चुका है, अब मैं इसको लगाती हूँ दम। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मैं फूड कलर, ज्यादा नहीं, बस कलर के मारे मैंने डाला है, और इसको मैं लगा दूंगी दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चले गए चावल दम पर। इसको मैं कम से कम 10 से 15 मिनट में दम पे रखूंगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। जब तक मेरे चावल दम पे होते हैं मैं अपना दूसरा काम निपटा लूँ। मेरा दूसरा काम ये है कि जो बर्तन निकले हैं वो बर्तन में धो रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं देखती हूँ क्योंकि हमारा चावल में दम लग चुका है, और मैं इसको ढकना हटाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये भाप उठा ना, तो उसकी ये निशानी होती है कि हमारे जो चावल है वो डन हो चुके हैं, हमारा जो पुलाव है। चूल्हा मैं बंद करती हूँ। डालती हूँ, माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
ये देखिए, हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं लेके जाऊंगी दस्तरखान पे। तो हेलो फ्रेंड, हमारा जो पुलाव है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ दस्तरखान पे। ये देखिए मेरा पुलाव। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। अल्लाह हाफिज़।